हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जैकलिन फर्नांडिस का पानी पानी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ हिमालय का मॉइस्चराइजर ले लिया है। इसको मैं स्किन में लगा के उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी अपने फेस को, और इसके बाद मैं फर्स्ट आईब्रो से स्टार्ट करूंगी अपना मेकअप। तो मैंने यहाँ मिस क्लियर का ब्लैक आई शेडो ले लिया है, इससे मैं अपना आईब्रोज बनाऊंगी। 100 रुपीज़ वाला मेकअप लुक है ये, तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूंगी वो सारे के सारे 100 रुपीज़ के अंदर होगा। तो इसके बाद मैं NYBA का कंसीलर आईब्रोज़ के नीचे आईब्रोज़ के ऊपर लगा लूँगी। आईब्रोज़ को प्रॉपर एंड प्रोमिनेंट दिखना है। कंसीलर लगाने के बाद फ्लैट ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करना होगा, बहुत ध्यान से ब्लेंड करेंगे क्योंकि ब्लैक आई शेडो आईब्रोज़ में लगा हुआ है। आईज़ के ऊपर वही NYBA कंसीलर से मैं कंसील कर लूँगी। आईज़ के कॉर्नर में टेप लगा लूँगी और इसके बाद मैं L18 का काजल लेके आईज़ के ऊपर लगाऊंगी। ब्लैक स्मोकी आईज़ बनाना है तो इसके लिए काजल लगाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका ब्लैक स्मोकी आईज़ बहुत ही प्रॉपर आएगा। काजल लगा के उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से फ्लैट ब्रश से, दोनों आईज़ में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद हिलारी रोडा का ब्राउन शेड लेके क्रीज के ऊपर में ब्लेंड करूंगी। अब वही मिस क्लेयर का ब्लैक आई शेडो में आईज के नीचे लगाऊंगी। अच्छे से उसको लगाना होगा ताकि आईज के अंदर एकदम भी ना जाए। टेप हटा लूंगी मैं और इसके बाद ब्रश लेके उसको फैन ब्रश की तरह बना के मैंने आईज़ के नीचे ब्लेंड किया है। फिर वाइट काजल लगाएंगे, आईज़ के ऊपर आईलाइनर लगा लेंगे। इसके बाद फॉल्स लैशेस भी लगाऊंगी। उसके बाद बोडो प्लस का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर मैं अपने फेस में लगा लूंगी। इसके बाद ब्लू हेवन का फाउंडेशन स्टिक मैं लगा लूंगी अपने फेस में, उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी फेस में थ्रू ब्रश। मुझे ब्रश के थ्रू ब्लेंड करना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद मैं कंसीलर लगा लूंगी अपने फेस में, नोज आई साइड फोरहेड लिप्स के साइड और चीक्स के नीचे, और इसके बाद कंटूर करूंगी चीक्स पे, नोज के साइड और फोरहेड पे और नीचे, और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब स्पिन्स बीबी पाउडर में एज अ लूज पाउडर लगा लूंगी। इसको अच्छे से लगाना है। ये लूज पाउडर बहुत ही अच्छा है, लैक्मी मेबलिन का लूज पाउडर भी है मेरे पास, पर वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ये विदिन 100 रुपीज़ है तो मैंने यही लगाया है। अब ब्राउन शेड लेके मैं नोज़ को थोड़ा और अच्छी तरीके से कंटूर कर लूँगी, और वही पिंक कलर लेके मैं चिक्स भी अपना ब्लशर से भर दूँगी। थोड़ा स्माइल करके ब्लशर लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं रोनजिला का लिक्विड हाइलाइटर अपने चीक्स पे लगा लूँगी, नोज़ पे लगा लूँगी और फोरहेड पे लगा लूँगी, लिप्स के ऊपर और नीचे भी। अब आईब्रोज़ के नीचे मैं वाइट हाइलाइटर लगा लूँगी, आई कॉर्नर में लगा लूँगी, हिलरी रोडा का लिपस्टिक लगा लूँगी
सब कुछ विद इन 100 रुपीज में ही है। आप चाहो तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैंने लिपस्टिक अच्छी तरीके से लगा लिया है अपने होठों पे। इसके बाद मैं बिंदी ड्रॉ करूँगी फोरहेड पे और चिन पे। चिन पे 3 डॉट्स वाला बिंदी ड्रॉ करूँगी। नाउ आई एम रेडी। सो ये था जैकलिन फर्नांडेज इंस्पायर्ड लुक।